कैंसर के इलाज के नाम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जिसके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाएं बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के लोग कैंसर की महंगी दवाओं की खाली शीशियां अस्पतालों से इकट्ठा करते थे और फिर उनमें सस्ती दवाएं भरकर महंगे दामों पर बेचते थे। ये रैकेट दिल्ली में मोती नगर के DLF कैपिटल ग्रीन्स के 2 फ्लैटों से ऑपरेट होता था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के पास से खाली शीशियां, पैकेजिंग करने की मशीनें और 7 अंतरराष्ट्रीय और भारतीय ब्रांड के लेबल वाली नकली दवाएं बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद नकली दवाओं की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह में दिल्ली के नामी कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों हॉस्पिटल कर्मचारियों के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी तादाद में इंजेक्शन की खाली शीशियां भी बरामद की गई हैं। क्राइम ब्रांच की स्पेशल CP शालिनी सिंह ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले गिरोह के बारे में क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। ये गिरोह नामी ब्रांड की नकली दवाएं बनाकर मोटी रकम पर मरीजों को बेच रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच के DCP अमित गोयल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें ACP रमेश चंद्र लांबा के साथ इंस्पेक्टर कमल, पवन, महिपाल, SI गुलाब, आशीष, अंकित, गौरव, यतंदर मलिक, राकेश और समय सिंह भी शामिल थे। देखिए, कल हमारी टीम ने मुजफ्फरपुर बिहार में भी रेड करी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने एक शख्स गिरफ्तार किया है। वो वहाँ पे अपनी एक केमिस्ट शॉप भी उसकी थी और ये यहाँ दिल्ली से जो फेक मेडिसिंस हो रही थी वो वहाँ उनको भी सप्लाई की जाती थी और वो सप्लाई करके वहाँ पे उसको बेचा करते थे। उनसे बातचीत में ये भी पता लगा है कि उन्होंने वो काफ़ी दूर दूर तक सप्लाई किया करते थे। इनफैक्ट पुणे और NCR रीजन में भी वो वहाँ से सप्लाई करते थे। अभी उनका इंटेरोगेशन चल रहा है, तो आगे हम लोग स्टैब्लिश करेंगे कि उनकी लिंकेजेस कहाँ तक थी। मैम, जैसे आपने बताया कि पुणे और बाकी और राज्यों में भी ये लोग भेजते थे, तो क्या किस तरह से कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, लैब टेक्नीशियन, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? देखिए, इसमें जितने भी लोग थे वो सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इनके मास्टरमाइंड थे वो एक मोतीनगर में DLF में उन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे वो फैक्ट्री चला रहे थे। उस फैक्ट्री में एम्प्टी वायल्स को लेकर के और उनमें कोई भी रैंडम दवाई भर के और उसको जो है वो एज कैंसर मेडिसिन बेचा करते थे। तो रैंडम वायल्स उनको सप्लाई करते थे 2 लोग जो हॉस्पिटल के साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जो लेट डाउन गाइडलाइंस है जिनके अनुसार हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसको वो फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ऐसे ही निकाल के और 4 से 5 हजार रुपए में वो बेच दिया करते। जांच टीम को पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड विफिल जैन है, तो मोतीनगर के DLF कैपिटल ग्रीन्स के 2 EWS फ्लैट से इन गोरख धंधे को चला रहा है। इसी फ्लैट में कैंसर की नकली दवाओं की शीशियां रिफिल की जाती हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने DLF कैपिटल ग्रीन्स के फ्लैट्स में छापेमारी कर विफिल जैन और सूरज शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज कैंसर की दवाओं को बनाने और शीशियों को भरने का काम करता था। मौके से पुलिस भारी तादाद में कैंसर की नकली दवाएं भी बरामद की हैं। स्पेशल CP शालिनी सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान कि पुलिस ने ओप डाटा, कीट्रूडा, डेक्स्ट्रोज, फ्लूकोनाजोल ब्रांड की नकली कैंसर इंजेक्शन की 140 भरी शीशियां जब्त की हैं। इसके अलावा 50,000 कैश और $1,000 3 कैंप सीलिंग मशीनें, 1 हिट गन मशीन और 197 खाली शीशियां सहित पैकेजिंग का अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद की गई शीशियों की बाजार कीमत करीब 1.75 करोड़ है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि उन्हें इंजेक्शन की खाली शीशियां नीरज चौहान नाम का शख्स उपलब्ध कराता था। विफल और सूरज की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे छापेमारी गुरुग्राम के साउथ सिटी स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी कर गिरोह में शामिल नीरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से बहुत सी कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं की 519 खाली शीशियां और 800 खाली पैकेजिंग बॉक्स बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने नकली कैंसर इंजेक्शनों की
137 शीशियां भी बरामद की हैं। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के अनुसार आरोपी नीरज चौहान की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लाई चेन में शामिल उसके चचेरे भाई तुषार चौहान को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 7 अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के 137 भरे हुए इंजेक्शन की शीशियां बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 2.15 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा 519 खाली शीशियां, 864 शीशियों के पैकेजिंग बॉक्स, 89 लाख रुपए नकद, 18,000 अमेरिकी डॉलर और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।